फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक जिनी। चलते हैं फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं सैमसंग के लॉन्च किए गए एक नए स्मार्टफोन के बारे में। फ्रेंड्स, हमको पता ही है कि 2019 में सैमसंग ए सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाले हैं। ऑफकोर्स हम लोग ने इंडिया में देखा कि सैमसंग ने ए सीरीज़ में A30 एंड A50 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। A50 को लेके मैंने हैंड्स ऑन रिव्यू भी किया है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है। ऑफकोर्स A30 को लेके अपकमिंग दिन में मैं उसका भी हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो करूँगी। बट फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के ए सीरीज़ में लॉन्च हुए एक और नए स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है A20। अब सैमसंग गैलेक्सी A20 के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन फिलहाल में लॉन्च हुआ है। डेफिनेटली इन अपकमिंग मंथ्स ये स्मार्टफोन्स दूसरे मार्केट्स में भी ऑफिशियल हो जाएंगे। बट इंडिया में ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होने वाला है उसका ऑफिशियल डेट नहीं पता चला है। अगर हम लोग A20 के बारे में बात करें तो उसका हाईलाइट है उसका स्क्रीन, बिकॉज एक लो बजट स्मार्टफोन में सैमसंग आपको एमोलेड डिस्प्ले देता है। उसके अलावा यह स्मार्टफोन में अगेन एक मैसिव बैटरी लाइफ दिया है जो कि है 4000 mAh की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है सैमसंग का ये स्मार्टफोन भी। बट फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ने से पहले, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आशा है कि आप सब ये वीडियो एंड तक देखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A20 के बारे में। तो ये स्मार्टफोन में आपको एक अच्छा सा बॉडी दिया गया है। यहाँ पे 3D रियलिस्टिक बॉडी दिया गया है। तो ऑफकोर्स प्योर ग्लास बॉडी तो नहीं है, बट आपको एकदम ग्लास बॉडी जैसा फिनिश आता है। उसके अलावा इस साइड के स्मार्टफोन में यू नो इसका हाईलाइट ही है इसका स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको 6.4 इंचेस का मैसिव स्क्रीन दिया गया है, साथ में एमोलेड डिस्प्ले पैनल दिया गया है। यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है, बट इन दैट केस हम लोग सैमसंग के लैंग्वेज में बोलेंगे कि यहाँ पे हमको इन्फिनिटी वी डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन में 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशो दिया गया है। स्क्रीन रेजोल्यूशन के बारे में बात करें तो वो है 720 pixels into 1560 pixels। OS के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी आपको ऑप्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है विथ एक्सिनो 7884 का चिपसेट। एंड रैम एंड इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करें तो फिलहाल ये स्मार्टफोन का सिंगल वेरिएंट ही है जो कि लॉन्च किया गया है, जो कि है 3GB रैम के साथ 32GB का इंटरनल स्टोरेज। एंड इसके अलावा ऑफकोर्स OS के बारे में बात करें तो नीडलेस टू से कि ये स्मार्टफोन में लेटेस्ट एंड्रॉयड 9 Pie दिया गया है। कैमरास को लेके बात करें तो अगेन एक मिड रेंज स्मार्टफोन है। तो ये यहाँ पे आप वापस आपको डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है बैक पैनल में। उसका प्राइमरी कैमरा है 13 MP का, अपर्चर है f1.9। सेकेंडरी कैमरा है केवल 5 MP का, उसका अपर्चर है f2.2। साथ में LED फ्लैश भी दी गई है, पोर्ट्रेट ब्लर इफेक्ट दिया गया है, लाइफ इफेक्ट दिया गया है, बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट दिया गया है एंड AI बेस्ड फीचर्स डेफिनेटली है ये स्मार्टफोन में। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा को लेके तो सैमसंग गैलेक्सी A20 का सेल्फी कैमरा भी 8 MP का है, उसका अपर्चर भी है f2.0। एंड ऑफकोर्स नीडलेस टू से कि ये स्मार्टफोन में भी फेशियल रिकॉग्निशन फंक्शनलिटी दी गई है जिससे आप इजीली अपना स्मार्टफोन अनलॉक कर सकते हो। बैटरी को लेके बात करें तो मैसिव बैटरी दी गई है जो कि है 4000 mAh की। बट फिलहाल फ्रेंड्स, इट इज़ येट नॉट श्योर कि स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है कि नहीं, बिकॉज कहीं पे भी फिलहाल वो फ्रंट में कुछ भी लिस्टेड नहीं है। एंड इसके अलावा यह स्मार्टफोन डुअल सिम भी सपोर्ट करेगा एंड ऑफकोर्स मल्टीपल कलर वेरियंट्स में भी अवेलेबल रहेगा। कनेक्टिविटी एंड सेंसर्स को लेके बात करें तो डेफिनेटली 4G वॉइस ओवर LTE, Wi-Fi, ब्लूटूथ, GPS, AGPS, 3.5mm का ऑडियो जैक भी है। बट सिंस फ्रेंड्स वी डोंट नो कि यहाँ पे USB टाइप सी पोर्ट दिया गया है कि नहीं या माइक्रो USB। A50 को देखें तो USB टाइप सी पोर्ट दिया गया है, तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्टेड है कि ये स्मार्टफोन में भी हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट ही दिया गया है। एंड सेंसर्स के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है उसके बैक पैनल में। इसके अलावा ये स्मार्टफोन में एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर जैसे सेंसर्स दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे ओवरऑल फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन सैमसंग गैलेक्सी A20 के बारे में। ऑफकोर्स ये स्मार्टफोन एक एवरेज स्मार्टफोन है, वाई नॉट, बिकॉज ये बजट रेंज स्मार्टफोन है। इसका प्राइसिंग समवॉट 15,000 के आसपास सेट किया गया है इंडियन रुपीज में। ऑफकोर्स ये स्मार्टफोन फिलहाल रशिया में अवेलेबल है। देखा जाए तो स्मार्टफोन 15,000 के रेंज में थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है अगर हम लोग स्पेसिफिकेशन को देखें तो। ऑफकोर्स काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि आप 15,000 में कैसा स्मार्टफोन एक्सपेक्ट करोगे, बट फ्रेंड्स ऑफकोर्स मार्केट में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। कम्पीट करना है तो थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन तो चलता ही है सब कंपनीज के बीच में। ऑफकोर्स सैमसंग एक अच्छा ब्रांड है तो अपना ब्रांड वैल्यू ऐड तो करेंगे, बट रिसेंटली ए सीरीज को लेके सैमसंग ने मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कमबैक किया है। ये स्मार्टफोन डेफिनेटली इंडिया में लॉन्च होगा तो ऑफकोर्स नॉट एट 15,000 प्राइस रेंज, 1-2,000 कम करना ही चाहिए तभी कुछ टक्कर की बात बनेगी। बट ऑन एंड होल डेफिनेटली सैमसंग के एंड से एक अच्छा स्मार्टफोन, आई वुड नॉट से ग्रेट स्मार्टफोन लाइक आई सेड इन सैमसंग गैलेक्सी 850, बट स्टिल अ गुड स्मार्टफोन। तो फ्रेंड्स, बस आज के इस वीडियो में इतना ही था सैमसंग गैलेक्सी 820 को लेके। एंड अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक जिनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।